आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 3 से। एग्जाम्पल्स वगैरह हम लोग पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एग्जाम्पल 7 लास्ट लेक्चर का है, आपको ध्यान होगा, जिसमें हमें ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करना था। तो आज की प्रॉब्लम जो है वेलोसिटी एक्सेलरेशन से रिलेटेड है और उसके कंपोनेंट की इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन को निकालना होगा, उसके कंपोनेंट को। तो देखिए कैसे, डिफाइन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड इट्स ए कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ये एक सवाल है, इसके अंदर तीन चीजें हैं, वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की अगर मूव कर रहा है, और एक्सेलरेशन है, और कंपोनेंट भी निकालना है उसका। कंपोनेंट्स मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, डायरेक्शन बी में कंपोनेंट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फिगर बना करके आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये पाथ है पार्टिकल के मूव करने का, ये हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है जब पेज नंबर 1 पे आप जाएंगे कि मान लीजिए वो यहाँ पर है P पर, आफ्टर डेल्टा T टाइम उसकी पोजीशन ये आ जाती है Q पर, और पोजीशन वेक्टर R है, यानी कि अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि OP इक्वल टू R, और आफ्टर डेल्टा T टाइम इसने Q पोजीशन ऑप्टेन कर ली, तो OQ इज इक्वल टू R प्लस डेल्टा R। तो अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट देखें तो कितना हुआ, राइट, तभी वेलोसिटी निकलेगी, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और पी क्यू जो आर्क के अलोंग है उसको कहते हैं डिस्टेंस, इतने तय किया पी से क्यू तक, आर्क ज्यादा होगी और यानी जो डायरेक्टली ब्लू कलर से ज्वाइन किया डिस्प्लेसमेंट कम होगा। ठीक है, वेलोसिटी चूंकि डायरेक्शनल है इसलिए हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही ले रहे हैं इसका पी क्यू। तो अगर हम पी क्यू को कैलकुलेट करें तो जो पी क्यू की वैल्यू आएगी वो ओ क्यू माइनस ओ पी आएगी, यानी कि R प्लस डेल्टा R माइनस R आ जाएगी, और अगर देखें ये कैंसिल होने के बाद आपको डेल्टा R। तो व्हाट इज द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जिसे कहेंगे हम, आपका डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, वो डेल्टा R है डेल्टा T टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला भी डेवलप करते हैं इसका हम। देखिए, इफ R बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एंड स्केलर वेरिएबल T बी द टाइम, लेट इन टाइम डेल्टा T पार्टिकल डिस्प्लेस्ड टू डेल्टा R, डेल्टा R पोजीशन इसने ट्रेवल किया, ठीक, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पी। एक्चुअली जो वेलोसिटी होती है वो निकाल तो हम इसी जगह पर रहे हैं, कहाँ पर, पी पॉइंट पर। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस यानी ये होगा जो कि टेंजेंशियल होती है, वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन पूछी जाएगी तो वो ये दिखाई देगी आपको, दिस इज वेलोसिटी, राइट, एट पी। वेलोसिटी क्यू पर नहीं निकाल रहे, क्यू इज वेरी क्लोज टू पी, तभी तो हम लिखते हैं कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी इंस्टेंटेनियस, तत्कालिक हिंदी में कहते हैं तत्काल, एक क्षण का भी व्यर्थ ना हो, डेल्टा टी कहां जा रहा है, जीरो की तरफ। तो वी आर डिटरमाइनिंग द वेलोसिटी एट पी, बट वी आर टेकिंग ए नेबरहुड पॉइंट क्यू, क्यू जो है पी के बहुत ही नजदीक होता है, बट फिगर में आप जो देखते हैं ये काफी डिस्टेंस पे दिखाया जाता है। ये कैलकुलस का कंसेप्ट है, जो रेट ऑफ चेंज निकाला जाता है कि किस दर से चेंज हो रहा है, उसी को तो वेलोसिटी कहेंगे, किस दर से पार्टिकल की पोजिशन चेंज हो रही है। द इंस्टेंटेनियस The instantaneous velocity of the particle at P is given by velocity V is equal to limit delta T tends to zero delta R upon delta T, that is dr by dt, यानी V is equal to R dot लिख लेंगे। R तो आपको पता है starting में, first lecture में आपको बताया गया था कि अगर xy z में coordinate दिए हों आपके curve के path के, तो xi प्लस yj प्लस zk लिखते हैं। लेक्चर 1 या वीडियो 1 आप देखिए, उसमें हमने समझाया हुआ है किस तरीके से। Where dot denotes the differentiation with respect to t, तो velocity हो गया dr by dt। अब अगर हम velocity का भी rate of change ले लेंगे तो acceleration आ जाएगा। Similarly, if delta v denotes the increment in velocity vector v in time delta t, so instantaneous acceleration a of the moving particle is given by a is equal to limit delta t tends to zero delta v upon delta t, that is dv by dt, which also can be written ddt of dr by dt, या इसको हम r डबल डॉट भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ए को हम लोग एक्सेलरेशन को डी टू आर अपॉन डी टी टू से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि केवल आर को हमें दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो इस तरह वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपका आ गया। अब है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, कंपोनेंट निकालना है आपको। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज, क्या होता है फॉर्मूला, वी डॉट बी कैप, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। देखिए इसको मैं प्रूफ कर देते हैं आपके लिए। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी
किस तरीके से। देखिए यहां पर अगर आप मान लीजिए कि ये बी की डायरेक्शन है, ये बी है और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, ये कोई पॉइंट आप मान सकते हैं, पी पॉइंट है। अच्छा वैसे एक चीज आपने 10th क्लास से ही पढ़ी थी अगर आपको याद होगा, कि अगर ये एफ है और ये एंगल थीटा है और इधर आपको कंपोनेंट निकालना है, तो ये होगा मॉड एफ कॉस थीटा। कॉस से भी जानते हैं आप साइन और कॉस से, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा में होता है और वर्टिकल जब रिजॉल्व करते हैं उसको, एक प्रकार से हम एफ को यहाँ पर रिजॉल्व कर रहे हैं। अगर इसका ये कंपोनेंट लेते हैं यहाँ का, तो इधर वाला हो जाएगा आपके पास मॉड एफ साइन थीटा हो जाएगा रिजॉल्व करने पर, राइट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें कि वेलोसिटी कंपोनेंट, वीसी लिख दे रहे शॉर्ट में हम, वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट कितना आएगा अगर देखा जाए, तो मॉड वी कॉस थीटा ये कैलकुलेट करके आएगा वेलोसिटी कंपोनेंट। अब अगर हम डॉट वाले रूल से जाएं, डॉट वाला रूल क्या कहता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए डॉट प्रोडक्ट, यानी कि बी कॉस थीटा, ये इनके बीच का एंगल। तो उस हिसाब से हमारे पास यहां से अगर हम चलें तो हम पाएंगे कि वी डॉट बी इज इक्वल टू, ठीक, मॉड बी मतलब मॉड वी है फिर मॉड बी है और ये हो गया कॉस थीटा। आपका जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो है मॉड वी कॉस थीटा, तो वी को और कॉस थीटा को रोक लीजिए आप, यानी हो गया कि मॉड वी कॉस थीटा और ये जो मॉड बी है सर डिवाइड कर दीजिए, तो ये जो लेफ्ट में लिखा वो राइट में जा रहा है अब आपका वी डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ बी, राइट, इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं वी डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, दैट इज ये हो गया आपके पास वी डॉट बी कैप, तो इसे कहेंगे वेलोसिटी कंपोनेंट। इन डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ बी, तो ये फार्मूला हो गया आपका। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का अगर निकालना हो तो जिसका भी निकालना हो वो यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बस। जैसे वेलोसिटी कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ बी, तो ये यूनिट वेक्टर ले लिया गया है बी कैप। अगर एक्सेलरेशन का निकाला जाए इसी तरीके से तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन डॉट बी कैप आ जाएगा। आई थिंक फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, अभी अप्लाई करते हैं इसको हम लोग। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज वी डॉट बी कैप या वी डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। Similarly, the component of acceleration in the direction of b is acceleration लिख लेंगे dot b cap, acceleration और dot b cap आ जाएगा। अब इसका एक example देखते हैं, example number 4 है हमारे पास। Example number 4 में particle के बारे में दिया हुआ है। A particle moves along a curve whose parametric equations are x, y, z दिया हुआ है, where t is time. Determine its velocity and acceleration. ये acceleration है at any time. यानी t के form में निकालिए। फिर दूसरा part है कि find magnitude of velocity and acceleration at t is equal to zero. जब time zero था instantaneous तब निकालिए आप। तो we know r equal to x i plus y j plus z के इस formula का use करेंगे आप। और x y z की value put करके आप उस path की equation, उस curve की equation determine करेंगे r से जिस पर particle move कर रहा है। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो v r डॉट इज इक्वल टू, ये डिफरेंशिएट करने पे आ जाएगा आपके पास माइनस e की पावर माइनस t माइनस साइन 3t प्लस 6 cos t। आई थिंक डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन r डबल डॉट, तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये बड़ी आसान है, इसमें एक बार डिफरेंशिएशन और दोबारा डिफरेंशिएशन, यही आपके वेक्टर फॉर्म में आंसर हो गया कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर द वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। देखिए आई जे के दोनों में आ रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन ए, इक्वेशन ए नहीं टू है यहाँ पर, इक्वेशन टू रिप्रेजेंट्स द वैल्यूज ऑफ, स्पेलिंग गलत है सही कर लीजिएगा, वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। तो ये आ गया आपका दूसरा पार्ट क्या, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो जो इक्वेशन टू है ना इसमें आपको टी इज इक्वल टू जीरो पुट करना होगा और मॉड लेना होगा, या मॉड ले करके तब टी जीरो पुट करना होगा, एक ही बात है आपकी, ठीक है। तो इक्वेशन टू से आपने उसका मॉड ले लिया, मॉड आसानी से ले लेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर
और के के कोफिशियंट का स्क्वायर कर देंगे आप, यहाँ सब पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर आप जो है टी की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। जब टी जीरो पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक के रूट 37 आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, तो ये कर लेंगे आसानी से। इसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी निकाला जा सकता है, यानी कि एक्सेलरेशन के जो कोफिशियंट्स हैं ये e की पावर माइनस टी आई का कोफिशियंट और ये जे का और के का इसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और फिर टी इज इक्वल टू आप जीरो पुट कर देंगे तो ये आपका अंडर रूट 325 एट टी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है आपका। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। अभी जो डिस्कस किया वो एग्जाम्पल नंबर 4 था आपका। एग्जाम्पल 5 में ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, कर्व की इक्वेशन दी हुई है आपको एक्स वाई जेड के फॉर्म में, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म है ये, वेयर टी इज टाइम, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन, वही जो अभी हम लोग बात कर रहे थे डायरेक्शन, यानी बी वेक्टर हो गया आई प्लस 3 जे प्लस 2 के, इसके डायरेक्शन में निकालना है जैसा भी हमने फिगर भी पीछे बताया था आपको। तो सिंपली पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे और जैसा कि फार्मूला भी हमने आपको बताया कि वेलोसिटी डॉट बी कैप कर देंगे तो एक आंसर आ जाएगा और एक्सेलरेशन डॉट बी कैप कर देंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा, आंसर मतलब कंपोनेंट आ जाएंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के इन द रिक्वायर्ड डायरेक्शन। तो वी नो आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आर की वैल्यू आपको दी हुई है, आर की दी हुई मतलब एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे टी स्क्वायर माइनस 4 जो जेड की वैल्यू है 3t - 5k। ठीक, तो वेलोसिटी आ जाएगी आपकी डिफरेंशिएट करने पर, डी आर अपॉन डी टी निकाल लेंगे, दैट इज वेलोसिटी और टी इज इक्वल टू 1 पे निकालना है तो आपने यहाँ पर टी इक्वल टू 1 पुट कर दिया। लेकिन अब इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जिसको टी इक्वल टू 1 पुट किया, डिफरेंशिएट 1 को ही करेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए वरना 0 हो जाएगा। ठीक, लेकिन उन्होंने शायद पहले यहाँ वेलोसिटी निकाल लिया है बाद में एक्सेलरेशन में गए हैं। तो नाउ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ बी, गिवन बी इज इक्वल टू दिस, अभी फार्मूला मैंने आपको बताया v dot b cap यानी v dot vector b upon mod of b, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा ध्यान दीजिए, यहाँ पर velocity की value put कर दी, यहाँ पर vector b की value put कर दी, बीच में dot लगा दिया है, upon में magnitude ले लिया किसका, b का magnitude जब आप लेंगे तो root 1 plus 3 का square plus 2 का square यानी कि 1 plus 9 plus 4 यानी कि 14 आ जाएगा आपका। ठीक, 14 यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बस डॉट प्रोडक्ट लीजिए 14 से, रूट 14 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ कंजुगेट से मल्टीप्लाई, कंजुगेट नहीं है मतलब रेशनलाइज करने के लिए रूट 14 ऊपर रूट 14 नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, तो आपके पास ये 16 इंटू रूट 14 अपॉन 14 आ जाएगा, इसको आप 2 से करिए तो 8 और 2 से करिए 7 तो आंसर आ जाएगा 8/7 रूट 14, तो वही 8/7 रूट 14 आ गया आपका, यूनिट में आया, मैग्नीट्यूड आ रहा है ना इसका, कंपोनेंट निकाला जा रहा है तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी है आपकी ये। ठीक, अब एक्सेलरेशन निकालना है तो इक्वेशन नंबर 1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर। ठीक, एक्सेलरेशन dv/dt डिफरेंशिएट करके रख दिया इन्होंने, जब 4ti का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 4i आ जाएगा और ये जब करेंगे 2t - 4j का तो 2j आ जाएगा, राइट, डिफरेंशिएशन, और k नहीं आएगा क्योंकि k का 3k का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। नाउ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, मतलब a मान लिया से differentiating equation 1, यानी after the differentiation of equation 1 you have obtained it, अब क्या होगा, therefore component of velocity in the direction of b is a dot b cap, वही जैसा formula भी आपने पढ़ा कि a dot b cap होना चाहिए, which can be written a dot vector v upon mod of b, आपने यहाँ का a का value put कर दिया, यहाँ b का value put किया और root 14 लिखा, यहाँ dot लगा हुआ है, dot product लेके divide करेंगे तो ये आपका answer आ जाएगा। आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है, इसमें आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर, वैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने पढ़ रखा है लेकिन स्केलर का पढ़ा है, यहाँ वेक्टर का है। वेक्टर में क्या होता है कि एक साथ डिफरेंशिएट करना होता है, तीनों को करना होता है, तीनों कंपोनेंट को करना पड़ता है। सो फार वी हैव स्टडीड वेक्टर्स विच आर फंक्शंस ऑफ ओनली वन वेरिएबल, हियर वी सपोज दैट एफ इज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल एक्स वाई जेड। अभी तक जो वेक्टर पढ़े थे आपने मतलब 12th क्लास में तो वन वेरिएबल के थे, अब यहां पर देखिए तीनों आ रहा है एक्स वाई जेड का, तो इन कंपोनेंट यानी यहां पर जो f1 है f1 उसमें ऐसी इक्वेशन आ सकती है 2x² + y + z f1 के अंदर, f2 के अंदर और f3 जो तीनों है ये, दीज आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो मान लीजिए कि f = f1i f2j f3k,
या सिंगल वेरिएबल नहीं है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने आज इस चैप्टर में पढ़ा सिंगल वेरिएबल टी वाला, टी के बजाय यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों में चलेगा। हाँ टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है एक्स को फंक्शन ऑफ टी ले लिया, वाई को फंक्शन ऑफ टी लिया, जेड को फंक्शन ऑफ टी लिया। जैसे यहाँ पर देखा जाए इस कर्व की इक्वेशन में एक्स टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है, जेड भी टी का फंक्शन है, तो जो रिजल्टिंग आर है वो टी का फंक्शन है। तो सिंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ना करें और एक्स वाई जेड में पार्शियल डिफरेंशियल करना हो तो कैसे करें? डेल एफ बाय डेल एक्स निकालेंगे तो एफ वन डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स एफ वन का कर देंगे, एफ टू का डिफरेंशियल कर देंगे और एफ थ्री का कर देंगे। तो y में करना होगा तो f1 का y में करेंगे, f2 का y में करेंगे और f3 का z में, यहाँ गलत लिखा हुआ है, नहीं z नहीं करेंगे, ठीक है सही लिखा है, z का नीचे आएगा। जब x का करेंगे तो तीनों में del f1 by del x, del f2 by del x, del f3 by del x, y में करेंगे तो सब में ऑपरेटर y चलेगा, सही लिखा हुआ है, और z में जब करेंगे तो फिर सब में z चलेगा, del f1 by del z i plus del f2 by del z j plus del f3 by del z k, राइट करेक्ट है ये बिल्कुल आपका। तो अगर हमें कोई कैलकुलेट करना हो तो कैसे, ये एग्जांपल हमारे सामने है, आई थिंक ये सिक्स एग्जांपल होना चाहिए क्योंकि पिछला एग्जांपल हम लोगों ने फाइव डिस्कस किया था। तो देखिए इफ y इज इक्वल टू x y स्क्वायर z फाइंड a एंड ये दिया है एंड a इज इक्वल टू दिस, फाइंड नहीं है, फाइंड ये करना है आपको, फाइंड डेल 3 अपॉन डेल x 2 डेल z phi इनटू वेक्टर a एट 2 1 1। तो देखिए यहां जो क्वांटिटी है आपके पास वो है phi ए, पहले निकालना पड़ेगा आपको, ठीक, तो उस प्रकार से वो एफ बन जाएगा, मतलब ये समझ लीजिए एक वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि फाई स्केलर है और ए हमारा जो है वो वेक्टर है, ठीक। तो मल्टीप्लाई करिए, फाई की वैल्यू पुट करिए एक्स वाई स्क्वायर जेड और ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू दी है एक्स जेड आई माइनस एक्स वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड स्क्वायर के। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे जे वाले में तो ये आ जाएगा एक्स, कुछ मिस्टेक लग रही हमको यहाँ पर, यहाँ चूंकि प्लस का माइनस का साइन होना चाहिए यहाँ पर ये, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई की पावर फोर जेड, ठीक है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा आपके पास एक्स वाई क्यूब, ठीक है, और जेड क्यूब आ जाएगा आपके पास, क्यों, जेड यहाँ है जेड स्क्वायर यहाँ, ठीक है, अब सही है यहाँ पर, अभी केवल मल्टीप्लाई किया है। अब आपको देखिए जो डिटरमाइन करना है वो ये है डेल थ्री अपॉन डेल एक्स टू जेड डेल जेड, पहले जेड में करेंगे अंदर से करते हैं, फिर एक्स में दो बार करना पड़ेगा, एक्चुअली इट इज इक्विवेलेंट टू डेल डेल एक्स डेल डेल एक्स एंड डेल जो भी वेक्टर एफ मान लिया हमने उसको बाद में, इसको एफ कह दिया अपॉन में डेल जेड, राइट। तो ये जो रिजल्टिंग एफ आया है, एफ का मतलब यहाँ थोड़ी देर के लिए हमने इसको एफ कह दिया, तो पहले उसको जेड में, फिर उसके रिजल्ट को एक्स में, फिर उसके रिजल्ट को एक्स में डिफरेंशिएट करना होगा। तो जब आप जेड में करेंगे तो जेड स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर टू जेड और एक्स वाई एज ए कॉन्स्टेंट रहेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसके अलावा जो भी है वो एज ए कॉन्स्टेंट लिया जाएगा, कॉन्स्टेंट या कोफिशियंट। कॉन्स्टेंट उसे कहते हैं जो प्लस के बाद, जैसे ये लिखा है तो ये कांस्टेंट है, राइट। और अगर मान लीजिए 2x स्क्वायर जेड लिखा है तो जेड के लिए कोफिशियंट है, क्या 2x स्क्वायर कोफिशियंट हो जाएगा। जो टर्म के साथ इंडिपेंडेंटली लिखा रहता है वो एज ए कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर फिलहाल जेड में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर वाई की पावर फोर एज ए कोफिशियंट रहेंगे, यानी कॉन्स्टेंट रहेंगे, वो ऐसे ही रहेंगे, जेड का वन हो जाएगा। फिर जेड क्यूब का होगा तो थ्री एक्स वाई क्यूब ऐसे ही रहेगा और जेड स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही डिफरेंशिएशन है। इसके बाद हम लोग इसको एक्स में करेंगे, यहाँ x का होगा तो 4x स्क्वायर y और z एज ए कॉन्स्टेंट रहेंगे, एज ए कोफिशियंट भी है एज ए कॉन्स्टेंट भी है, y स्क्वायर z बिल्कुल सही है। फिर x स्क्वायर का होगा तो 2xy की पावर 4j सही है, यहाँ पर 3x का होगा तो ये हो जाएगा 3 वाई क्यूब जेड स्क्वायर वैसे ही रहेंगे, बिल्कुल सही है डिफरेंशिएशन। फिर से एक बार इसका हम लोग करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 4, x का 4 हो जाएगा y स्क्वायर जेड बिल्कुल सही, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 2y की पावर, बिल्कुल सही। इसमें x नहीं है k वाले में तो इसका जीरो हो जाएगा, इसलिए केवल दो ही टर्म आएंगे, राइट। अब आपको x की जगह 2 पुट करना है, y की जगह -1 और z की जगह 1 पुट करना है। तो जब आप ये पुट कर देंगे तो आई थिंक आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा, z 1 हो जाएगा, हाँ 4i बिल्कुल सही है, और y की जगह 4 रखना 2 बिल्कुल सही है, मैं चेक कर लिया आंसर सही है आपका ये, तो आंसर आपका आ रहा है 4i-2j। तो आई थिंक आपको होल प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक। अच्छा
अब यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज दी हुई है, पिछले ही टर्न पर आप लोग 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं जैसा आपने बताया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आपको होमवर्क दे रहे हैं आज हम, 6 कर लेंगे आसानी से। जैसा कि आज आपको एग्जांपल बताया गया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, 6 हो जाएगा, फिर आपका ये 7 हो जाएगा आसानी से। कंपोनेंट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ये थ्योरम बेस्ड है, थ्योरम्स पढ़िए, रिवाइज करिए और कोशिश करिए हो जाएंगे, क्योंकि आर की जगह आपको दिया हुआ आर कैप है एंड आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन में मॉड ऑफ आर, दैट इज वेक्टर आर अपॉन आर भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको हम लोग सिंपली आर लिखते हैं, तो इससे ट्राई करिए आसानी से आ जाएगा आंसर आपका, आर इज इक्वल टू मॉड आर दिया भी गया है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं, 9 भी कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल 6 डिस्कस किया था पार्शियल डेरिवेटिव वाला, वो दिया गया है कि R क्रॉस S निकाल लीजिएगा। पहले R क्रॉस S का फॉर्मूला पता ही है आपको, डिटरमिनेंट जैसे 12th क्लास में पढ़ा था A क्रॉस B का डिटरमिनेंट से निकाला जाता है। यहाँ बनाते हैं हम लोग I, J, K, A1, A2, A3, B1, B2 और B3 इस तरीके से। R क्रॉस S निकाल करके फिर उसको Y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर उसको X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आप पॉइंट रख देंगे। पॉइंट क्या रखेंगे? पॉइंट रखेंगे आप 1, 0 और -2। जब आप ये रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? 4i-8j। तो आई थिंक ये पूरा चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है और इसका आप जितने वीडियोस बने हैं वो देखिए, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए ऐप से, हार्ड कॉपी लेकर के वो प्रैक्टिस करिए तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद रहेगा हमेशा के लिए। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जाम्पल 5, इस पर एक करेक्शन एक स्टूडेंट ने बताया अभी जो कि लाइव क्लास चल रही है आपकी। तो देखिए इसमें ये है कि सर यहाँ कैलकुलेशन जब किया ये तो सही है और जब रूट 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/14 आएगा रूट 14 ऊपर, तो ये 7 होना चाहिए, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप एग्जांपल 5 में इस तरीके से करेंगे। और बाकी मैं आपको समझा चुका हूँ, पूरा होमवर्क दे दिया है, बस आज के लेक्चर में इतना ही और इसे कंप्लीट करिए आप।